हेलो फ्रेंड्स, टीएलडी लेडीज टेलर में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बहुत ही इजी तरीके से कॉलर वाले सूट की कटिंग बताऊंगी। इसके लिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए। मैं इसका नाप इसके अकॉर्डिंग रखूंगी। मैं इसकी लंबाई रखूंगी 33 इंच, सीना रखूंगी 30 इंच, कमर 27 इंच, हिप 32 इंच, आस्तीन की लंबाई 4 इंच, आस्तीन मोहरी 10 इंच, गला कॉलर वाला रखूंगी, शोल्डर इसके 13 इंच। इसके अकॉर्डिंग मैं इसकी कटिंग करूंगी। मैं नापना स्टार्ट करूंगी। मैं इसकी लंबाई रखूंगी 33 इंच, इसलिए मैं यहाँ से लेकर यहाँ पर 33 इंच पर निशान लगा दूंगी। वो 2 इंच में एक्स्ट्रा लूंगी सिलाई के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर 35 इंच पर निशान लगाऊंगी। इंच मैं यहाँ पे इसके बाजू के लिए लूंगी 6.5 इंच, इसलिए मैं यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान लगा दूंगी। यहाँ पर मैं 13 इंच पर कमर का निशान लगाऊंगी। अब इन दोनों के बीच का गैप नाप लूंगी। यहाँ पर ये मेरे पास 6.5 इंच, 6.5 इंच में नीचे की तरफ लगा दूंगी। यहाँ पर मैं 6.5 पर निशान लगा दूंगी। यहाँ से यहाँ तक मैंने लिया है 6.5 इंच और यहाँ से यहाँ तक लिया है मैंने 13 इंच। अब इन दोनों के बीच का गैप नापते हुए मैंने यहाँ पर ये 6.5 इंच, 6.5 इंच मैंने नीचे की तरफ लगा दूंगी। यहाँ से यहाँ तक मैंने 6.5 इंच लगा दिया है। अब मैं इन तीनों पे लाइन डाल दूंगी। इस तरीके से मैं तीनों पर लाइन डाल दूंगी। अब यहाँ पर मैं इसका गला लूंगी 2.5 इंच, 2.5 इंच पर मैं इसका गले के निशान लगा दूंगी और यहाँ पर इधर लूंगी, इसलिए मैं यहाँ पर 2.5 इंच का एक चौकोर डिब्बा बना दूंगी। इस तरीके से मैं डिब्बा बना दूंगी। अब मैं इसको गोल शेप दे दूंगी। इस तरीके से मैं इसको गोल शेप दे दूंगी और यहाँ पर वाला गला बनाऊंगी। इसके लिए मैं यहाँ से यहाँ तक लूंगी इसको 6.5 इंच। कॉलर वाले गले में इसका शोल्डर ज्यादा लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ से यहाँ तक 6.5 इंच लिया है। यहाँ पर सीने का नाप है 30 इंच। 30 का मैं 4 पार्ट करूंगी तो मेरे पास आएगा यहाँ पर 7.5 इंच। 7.5 इंच में मैं आधा इंच बढ़ा दूंगी। ये मेरे पास आधा इंच लूजिंग के लिए रहेगा। मेरे पास कमर का नाप है 27 इंच। 27 का मैं 4 पार्ट करूंगी तो मेरे पास यहाँ आएंगे 7.5 इंच। 7.5 इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगा दूंगी और यहाँ पर भी मैं आधा इंच एक्स्ट्रा लूंगी। यहाँ पर भी मैं कमर के निशान पर आधा इंच एक्स्ट्रा लूंगी। अभी का नाप है मेरे पास 32 इंच। 32 का भी मैं 4 पार्ट करूंगी तो मेरे पास आएगा 8 इंच। 8 इंच पे मैं यहाँ पर निशान लगा दूंगी और यहाँ पर भी मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूंगी। इन तीनों के नाप का मैं 4 पार्ट करते हुए आधा इंच एक्स्ट्रा लूंगी लूजिंग के लिए और यहाँ पर निशान लगा दूंगी और इनको मिला दूंगी। इस तरीके से मैं निशान लगाऊंगी और यहाँ पर मैं शोल्डर के नाप को मैं इस तरीके से लाइन डाल दूंगी और आधा इंच मैं इसको अंदर की तरफ लूंगी और यहाँ से घूम देते हुए मैं इसको मिला दूंगी। यहाँ पर 1 इंच ऊपर निशान लगा दूंगी क्योंकि मैं यहाँ पर कट का निशान लगाऊंगी और इस लाइन को मैं नीचे की तरफ मिला दूंगी। इस तरीके से मैं इस लाइन को यहाँ पर मिला। अब मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए जगह लूंगी और यहाँ पर मैं इस लाइन को इस तरीके से मिला दूंगी। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। इस तरीके से मैं आगे के फ्रंट की कटिंग कर दूंगी। अब मैं पीछे के फ्रंट की कटिंग करूंगी। पीछे के फ्रंट की कटिंग करने के लिए मैंने इसको इस तरीके से डबल जमा लिया है। अब मैं इसके ऊपर आगे वाले फ्रंट को रख दूंगी। इस तरीके से मैं इसके ऊपर आगे वाले फ्रंट को बराबर से जमा दूंगी। इस तरीके से मैं आगे वाले फ्रंट को जमा दूंगी। यहाँ पर मैं आधा इंच ऊपर की तरफ लूंगी और यहाँ पर मैं इस तरीके से तीसरी लाइन डाल दूंगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर एक तीसरी लाइन डाल दूंगी और यहाँ से मैं इसको मिलाते हुए और यहाँ पर मैं गोल घूम दे दूंगी। ये मेरे पास पीछे वाला गला रहेगा और यहाँ पर मैं इसको आधा इंच बाहर की तरफ लूंगी और यहाँ से मैं इसको इस तरीके से मिला दूंगी। यहाँ से मैं इसका गला रखूंगी और यहाँ से मैंने आधा इंच बढ़ाते हुए यहाँ से गोल शेप दिए। अब इसके बराबर से मैं इसकी कटिंग कर दूंगी।
ठीक है जी, मैं आगे पीछे की फ्रंट की कटिंग कर दूंगी और यहाँ पर मैं कट लगा दूंगी, क्योंकि तो मैं कट सिलाई करते टाइम पे कट से कट मिलाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ पर बराबर से कट लगा दूंगी और तो मैं यहाँ पर भी एक कट लगा दूंगी। इस तरीके से मैं तीनों जगह पर कट लगा दूंगी। कट लगाने के बाद मैं यहाँ से इसकी बाजू नाप लूंगी। इस तरीके से मैं इसकी बाजू नापूंगी, यहाँ पर 7.5 इंच और यहाँ से मैं पीछे वाली बाजू नाप लूंगी, तो मेरे पास दोनों बाजू है यहाँ पर 14 इंच। अब मैं बाजू की कटिंग 14 इंच की करूंगी। अब मैं इसकी बाजू की कटिंग करूंगी। बाजू की कटिंग करने के लिए मैं इसको डबल फोल्ड कर दूंगी। इस तरीके से मैं डबल फोल्ड करूंगी और यहाँ पर भी मैं इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर दूंगी। यहाँ से मैं दोनों आस्तीन निकालूंगी, इसलिए मैंने इसको डबल फोल्ड कर दिया है और यहाँ पर मैं इसको फोल्ड करूंगी, इसलिए मैं यहाँ पर 1.5 इंच इसको फोल्ड करने के लिए लूंगी और 4 इंच की मैं आस्तीन रखूंगी, इसलिए मैं यहाँ से यहाँ तक 4 इंच लूंगी और आधा इंच मैंने सिलाई के लिए लिया है। मैंने यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई ली है 6 इंच, आधा इंच मैंने सिलाई के लिए लिया है, 4 इंच की मैं आस्तीन रखूंगी और 1.5 इंच मैंने यहाँ पर फोल्ड करने के लिए लिया है। अब यहाँ पर मैं इसको लूंगी 7 इंच, क्योंकि मेरे पास सूट की बाजू आई थी यहाँ पर 7 इंच, और 7 इंच में यहाँ पर निशान लगा दूंगी और यहाँ पर लूंगी मैं इसको 2.5 इंच, 2.5 इंच लूंगी मैं यहाँ पर एक लाइन डाल दूंगी। अब मैं यहाँ से इसको इस लाइन पर मिला दूंगी। यहाँ पर मोरी मेरे पास 10 इंच, 10 का मैं यहाँ पर आधा करूंगी, मेरे पास आएगा 5 इंच, 5 इंच में मैं यहाँ पर इस तरीके से मिला दूंगी और यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लूंगी। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। इस तरीके से मैं बाजू की कटिंग करूंगी, इस तरीके से मैं कॉलर वाले सूट की कटिंग कर लूंगी।